हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल और थंबनेल देख करके आप लोगों को पता ही चल गया होगा, आज मैं आपके साथ एस्थेटिक डिजाइनर कुर्तीज शेयर करने वाली हूँ। और लाइक सारी कुर्तीज एक से बढ़कर एक हैं एंड सभी का पैटर्न और डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अलग है। तो ये सारी कुर्तीज हैं, टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। तो चलिए वन बाय वन करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड वीडियो में जाने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत कम सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज जाकर के अभी उस रेड बटन को क्लिक करें एंड उसको ब्लू कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये वाली ब्लैक वाली कुर्ती से। सबसे पहले ब्लैक कलर मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है एंड इसमें मैं स्लिम लगती हूँ इसलिए मुझे पसंद है। और अभी मैंने ब्लैक पहना हुआ है तो अभी भी लग रही होंगी यार, झूठी क्या तो लग रही हूँ। मतलब ये है, इसके नेक पर देखिए कितनी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ब्लैक एंड बेज कलर की इसमें डिटेलिंग हो रखी है। तो स्लीव्स, ओ माय गॉड, स्लीव्स बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसमें इंसर्शन लेस के साथ देखिए इसकी फिनिशिंग हो रखी है और साथ ही साथ में सीक्वेंस लगे हुए हैं, मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग्स देखें आप, पाइपिंग लगी हुई है। और इसका फैब्रिक, तो आपको फैब्रिक में ना एक शाइन जैसी दिख रही होगी यार। ये होता है ना कि हम लोग सस्ते कपड़े ले लेते हैं, ये तो हमें इतने में मिल जाएगा, लेकिन फैब्रिक की बात होती है स्पेशली। इसका फैब्रिक देखो, दूर से ही लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिच एकदम फैब्रिक है, एकदम रॉयल लुक आपको मिलेगा इसको पहनकर। इसमें थोड़ी सी शीन एंड शाइन भी आ रही है और इसका जो फैब्रिक है इतना ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, आपको इसमें कोई लाइनिंग की जरूरत नहीं है, बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और आर पार भी इसमें नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ में इसकी डिटेलिंग देखें, ये साइड वाली जो लेस वाली डिटेलिंग है, आजकल पाकिस्तानी स्टाइल कुर्तीज में इस तरह की डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। और इसकी सफाई देखें, काम में कितनी ज्यादा सफाई है। तो ये है इसका फ्रंट पार्ट एंड ये है इसका बैक पार्ट। तो इस तरीके से आपको ये पूरी डिजाइनर कुर्ती मिल जाती है। दिस इज माय फेवरेट एंड बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही है। एंड इसके साथ पेयर अप किया है मैंने ये वाला दुपट्टा। दुपट्टे के इस तरीके से साइड्स आप देखेंगे ना, 4 साइड्स में स्कैलोप मिलेगा आपको। तो इस तरीके से कट वर्क वाला पैटर्न आप कह लीजिए। ऑर्गेंजा का मटेरियल है, ऑर्गेंजा फैब्रिक है और इस पर इस तरीके से रेड ग्रीन और ब्लू कलर के धागे के साथ एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। पूरी ही एम्ब्रॉयडरी का काम है, ये देखें कितनी ज्यादा फिनिशिंग से हो रखी है एम्ब्रॉयडरी। एक एक फूल आप देख ले, कहीं से कोई धागा नहीं निकल रहा, कुछ नहीं है। तो एकदम परफेक्ट फैब्रिक, परफेक्ट डिजाइनिंग इस तरीके से इस पर कटवर्क मिलेगा आपको। आई थिंक 900 रुपीज के प्राइस में ये वर्थ है आपका दुपट्टा। तो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है इस तरीके से। आप इसको लाइक प्लेन आपने कोई कुर्ती पहनी है तो उसके साथ भी पेयर अप करेंगे तो बहुत सुंदर सा लुक आएगा। एंड दीज ऑल कुर्तीज आर फ्रॉम ऑरेलिया ब्रांड, जहां पर आपको अप टू 60% तक का ऑफ मिल जाएगा। अभी सेल चल रही है तो इस टाइम पर आप लोग शॉप कर सकते हैं। लाइक बड़े बड़े ब्रांड जो भी होता है ना, उसमें MRP रेट पे तो ना ही ले, जब भी सेल आए ना तब आप उसको परचेज कर सकते हैं। और अभी बहुत ही अच्छी खासी सेल चल रही है तो इससे आपके काफी ज्यादा पैसे भी बचेंगे, डिस्काउंट मिल रहा है तो पैसे भी बचेंगे। तो यस, चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ है। और ये कुर्ती सेट मेरी पर्सनल फेवरेट है एक्चुअली। मैं इसमें ना आप देखेंगे तो मुझे व्हाइट कलर का एक सूट बहुत पहले से लेना था, बट दिस इज ऑफ व्हाइट। तो इसके साथ आपको 3-पीस सेट मिल जाएगा। ये है इसका दुपट्टा, ये है इसका प्लाजो। तो प्लाजो बिल्कुल स्ट्रेट पैंट कट में है, नीचे इस तरीके से आपको ये लेस मिल जाएगी। तो बात करते हैं इसके दुपट्टे की, सॉरी इसके सूट की। तो सूट इस तरीके से काफी ज्यादा लॉन्ग आपको ये सूट मिलेगा। फ्रंट पार्ट पे आप जरा इसकी नेक की डिटेलिंग देखें, वाओ, जस्ट वाओ। कॉटन वाली लेस से देखिए पूरे नेक पर बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग करा हुआ है। बॉटम की साइड की तरफ इस तरीके से चिकनकारी वाला पूरा ही वर्क मिलेगा आपको एंड इतनी ज्यादा फिनिशिंग से, ये देखें इस तरीके से यहाँ तक आपको ये पूरा कटवर्क वाला पैटर्न है। एंड इसके ऊपर से देखिए बिल्कुल भी कटवर्क नहीं है, तो आर पार दिखने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। और ये है इसकी स्लीव, स्लीव्स पर भी इस तरीके का खूबसूरत सा पैटर्न है जो कि कटवर्क के साथ फिनिशिंग हुआ है। और बैक पार्ट पे इस तरीके का आपको ये प्लेन मिल रहा है। इसमें 2 कलर्स अवेलेबल हैं, एक है लेमन येलो कलर और एक है ये वाला शेड। तो वो आई थिंक येलो कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। इसका फैब्रिक, यस इसका फैब्रिक की मैं बात करूँ तो मैंने अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी मुझे, बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा ऐसे हैवी सा लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी सी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है एंड एकदम ना
समर अप्रोप्रिएट कह लीजिए आप, वैसा वाला मटेरियल है इसका। फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो अगर जिनको इस तरह के एकदम सॉफ्ट वाले कपड़े पहनना पसंद है बिना लाइनिंग के, बिना अस्तर के, तो वो लोग गर्मियों के लिए मस्ट एंड मस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट है ये डार्क पर्पल कलर की कुर्ती, और ऑरेलिया ब्रांड के ना सभी कुर्तों की फिनिशिंग इतनी ज्यादा अच्छी है। लाइक नेक पर आप पाइपिंग देखो, बिल्कुल एक बराबर पाइपिंग है, और बैक साइड पर नेक की फिनिशिंग देखो इतनी ज्यादा सुंदर है ना। मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसिव अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्वालिटी भी उसके साथ में बहुत ही बेहतरीन मिल रही है। तो नेक पर देखें इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, गोल्डन जरी के साथ ये बहुत ही लाजवाब लग रही है। ऑल ओवर इस तरीके का पूरा फैब्रिक में इनबिल्ट इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा डिब्बी वाला पैटर्न, और बैक साइड पे भी आपको इसी तरीके का ये फैब्रिक मिल रहा है। सारे ही कुर्तीज में मैंने मीडियम साइज परचेज किया है जो कि एकदम परफेक्ट आ रहा है मेरे। तो जैसे कि अगर आपका चेस्ट एंड वेस्ट साइज 30 है और चेस्ट साइज 36 है, तो उसके हिसाब से अगर आप परचेज करेंगे तो आपको मीडियम साइज बहुत ही आराम से आ जाएगा। दिस इज द कुर्ती जो कि मीडियम है, जो कि परफेक्ट लगी मुझे। एंड इसके ना बैक साइड पर आप देखें यहाँ पर एक ये प्लेट जैसा बना हुआ है, तो अगर आपको ये लूज लग रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको और एक्स्ट्रा दबवा सकते हैं, तो उससे फिनिश भी बहुत अच्छा आएगा, फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ये है इसकी स्लीव्स इस तरीके की है, आगे की तरफ इस तरीके से इलास्टिक लगी हुई है, तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग हो रखी है इस पूरी कुर्ती की। नेक पर भी एकदम फिनिशिंग के साथ एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। इस तरह की कुर्तीज ना हमेशा ही मेरा दिल ले लेती हैं। तो एक तो डार्क कलर है, कहीं पे भी आप पहनकर जाएं बहुत ही खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट कुर्ती, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक हॉल होने वाला है ये, तो ये है एकदम लाइट ब्लू कलर की, एकदम स्काई ब्लू शेड होता है ना वैसा वाला कलर है इसका। नेक पर इस तरीके की वाइट कलर से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, बहुत ज्यादा प्यारा है यार, कितना ज्यादा खूबसूरत गला है इसका, लुक एट दिस। इसकी स्लीव्स पर इतना खूबसूरत सा काम है, स्लीव्स पर देखिए 4 पिंटेक्स बने हुए हैं और ये बॉटम लगा हुआ है। ये फैब्रिक तो आपको रेयन कॉटन मिलेगा, बट ये फैब्रिक आपको जॉर्जेट मिल रहा है, और एकदम एग्जैक्ट कलर मिला दिया उन्होंने। वाओ, मतलब मेरा दिल आ रहा है, सारी कुर्तीज पर दिल आ रहा है मेरा। बैक आपको नेक छोटा मिलेगा, फ्रंट नेक आपको थोड़ा सा डीप मिल रहा है। ऑल ओवर ये इस तरीके से छोटे छोटे से ना ये देखिए डिटेलिंग हो रखे हैं, इतनी ज्यादा फिनिशिंग से, लुक एट दिस, इतनी ज्यादा फिनिशिंग से। और ये है इसका बॉटम वाला पार्ट जहां पर आपको पूरा चिकनकारी वाला वर्क मिल जाएगा इस तरीके से। आई होप कि अच्छे से कैमरा में दिख रहा हो, तो साथ में आपको ट्रायन्स भी दिख जाएंगे। पूरा थ्रेड के साथ एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, तो जिनको बहुत ज्यादा एस्थेटिक लुक चाहिए हो तो वो लोग इस तरह की कुर्तीज को डेफिनेटली ले सकते हैं। मैं हाईली हाईली रेकमेंड कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। सो आई होप कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, एंड साथ में ट्रायन्स भी आप लोगों ने देख ही ली है। सबसे ज्यादा कौन सी ड्रेस आपको अच्छी लगी तो यस अभी कमेंट कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो हम लोग यहाँ पर एक सेकंड का पॉज ले रहे हैं, अभी जाकर के लाइक करो, एंड जैसे आप लोग लाइक करेंगे ना उसमें से चांद सितारे निकलने लग जाएंगे, लाइक कर लो और देख लो। तो यस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन बाय बाय, अल्लाह।